सोचिए कि मरने के बाद ऊपर जब लोग जाते होंगे ऊपर तो कुछ ना कुछ तो होगा वहां पर ना। हम सोच के चलते कि चलो जैसी दुनिया यहाँ पर है वैसी वहां पर भी होगी, वहां पर भी सेम लगे। हम लोग खाओ कर होते हैं तो चला गया क्या होगा, वहां एंजॉय करने बोले। ओ हाय कब आए सुबह, वेरी गुड यार, अच्छा अच्छा अच्छा, वो आया पाकिस्तान, वेरी गुड। वहां पर एंजॉय कर रहे होंगे लोग, पार्टी वार्टी दे रहे होंगे एक दूसरे को। एक ने पार्टी दे दी, शर्मा जी ने पार्टी दे दी 40 साल मरने खुशी में। अरे भाई शर्मा जी मुबारक हो यार, लगता ही नहीं 40 साल हुए आपको मरे हुए, है ना। मानो कल की बात हो, हम लोग आगे पीछे ही मरे थे। आप कुत्ते की मौत मरे थे ना। इनफैक्ट क्या हुआ था कि आपको ट्रक ने ठोक दिया था, ट्रक ने ठोका तो भाभी जी को था, भाभी जी ने आपको खींच लिया था। मुझे याद है, मुझे मेरी मौत याद है, लेकिन तुम्हें याद है अपनी मौत? तुम सूअर की मौत मरे थे। 15 दिन तक तुम्हारी लाश गटर में थी, याद है ना। वैसे भी ये हमारे मरने की खुशी में पार्टी नहीं है। किस खुशी में? मेरा बेटा कल ही अमेरिका से मर के आया है। कमाल है भाई, भाभी जी कहाँ? अरे भाभी जी, ओह माय गॉड, भाभी जी को लगता नहीं 40 साल मरे हुए हैं, ऐसा लगता 16 साल पहले मरी होगी। क्या मेंटेन किया भाभी जी ने। भाई साहब लड़का कहाँ है आपका? ये देखो। अरे बेटा कमाल के लगते हो तुम्हें इस कफन में। कफन कहाँ से ला बेटा ये कफन? और पापा मैं अपने मम्मी के साथ वहाँ पर गया था नर्क में शॉपिंग के लिए, वहाँ से लगाओ, वहाँ से खरीदा मैंने। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मुझे भी ऐसे खरीदने हैं। देन अंकल गो टू हेल। निकल गया। पार्टी में सेलिब्रिटी भी आ गए, संजीव कुमार साहब कहीं से आ गए पार्टी में। तो किसी ने पूछा भाई क्या हुआ क्या? बोले कुछ चाहिए? मुझे गब्बर चाहिए। वो भी जिंदा। जिंदा यहाँ नहीं मिलेगा, अगर ऐसा चाहिए तो वहां पे अमजद भाई उस तरफ है। अमजद भाई गब्बर, तो अमजद भाई शुरू हो गए। अरे ओए सांबा, वेटर पीछे से। साहब सांबा नहीं, रमन लामा से काम चला लो। एक पापा जी आ गए। और आप कैसे मरे? ओ यार मैं शिकारी था, शिकार करने चला गया। छोटी मोटी सुरंग में तो छोटे मोटे चूहे वगैरह होते हैं, मैं चला गया जंगल में। मैंने देखा छोटे से, इसमें क्या होगा, चूहा होगा। मैंने उससे बड़ी सुरंग देखी, मैंने कहा इसमें तो खरगोश होगा। मैंने उससे बड़ी सुरंग देखी, मैंने कहा इसमें भेड़िया भेड़िया होगा। मैं सबसे बड़ी सुरंग में घुस गया, सीधा इधर आ गया। वो रेलवे की सुरंग थी, मैं सीधा इधर आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, रेलवे, हाँ रेलवे की सुरंग थी, सीधा ऊपर आ गया। अब वो चल रही बात चल रही वहां पर, इतने में वहां पर स्टार वाले पहुंच गए, स्टार वाले पहुंच गए वहां पर इंटरव्यू निकले, स्टार वाले वहां पहुंच गए। शर्मा जी आपने 40 साल पूरे किए मर के, कैसे लग रहा है आपको? मोहतरमा एक शेर से इसका आगाज कहना चाहूंगा कि मैं अकेला ही मरा था जाने में मंजिल, लोग मरते गए कारवा बनता गया। तो भी 4 बार लोग पार्टी में आ गए। अरे भाई कमाल है, आपने सुना वो स्टार पे एक शो शुरू हुआ है, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, आपने देखा? अरे हाँ यार वो कमाल है। अरे बाप रे, वो 6 कमाल के लोग हैं यार, मुझे लगता है महमूद साहब जीतेंगे उसमें। हाँ महमूद साहब का कमाल है, उनका उल्टा सोचना, वो तशरीफ वशरीफ वाला आइटम कमाल है उनका यार। नहीं मुझे जॉनी वगर साहब का मुझे कमाल लगता है, जॉनी वगर जीतेंगे, वो कमाल करते हैं। नहीं यार कुछ भी, वो केस्टो मुखर्जी जो कविता के अंदाज में बोलते हैं। मैंने एक व्यक्ति से कहा मैंने एक व्यक्ति से कहा कैसी लगी मेरी कविता बताइए। मैंने एक व्यक्ति से कहा कैसी लगी मेरी कविता बताइए। वो बोला ये तो सुन रखी है, कोई खुद की सुनाइए। नहीं नहीं, मुझे लगता है मुखरी साहब जीतेंगे उस शो में। मेरे मुखरी साहब का कमाल का टाइमिंग है, मुझे मुखरी साहब जीतेंगे। एक ने कहा व्हाट अबाउट लक्ष्मी बेरडे, मेरा बच्चा उसका फैन है, उसे नकल करता। बेटा करके दिखा, पहचान कौन, देखा मेरा बच्चा भी फैन है। कमाल की नकल करता है। पार्टी में बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, एक बेचारा शरीफ आदमी वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनसे बात कर रहा, कैसे भाई सब ठीक है ना। तो इतने में आ गया कोई दूसरा घमंडी आदमी, क्या रस्तगी साहब आप किससे बात कर रहे हैं? अरे इनसे बात करेंगे आप, आपका स्टैंडर्ड देखिए आप। ये तो बेचारे के गरीब लोग, बेचारे कोई उल्टी आके मरा है, कोई जहर खा के मरा है। सबका स्टैंडर्ड तो मेंटेन कीजिए आप। मुझसे बात कीजिए, आप ब्लड कैंसर से मरे थे, आप ब्लड कैंसर से मरे थे, मुझसे बात कीजिए। भाई आप कैसे मरे हैं, आप कैसे मरे? मैं बावासी से मरा हूँ, मुझसे बात कीजिए। 2 दोस्त लोग मिल गए, अरे रमेश सच अ लॉन्ग टाइम नो सी, कहाँ कैसे कब? कमर है? मैं तो शर्म से मर गया भाई। तू कैसे? मैं ठंड से मरा यार। कैसे मरे कैसे? अरे यार वो मेरे क्या, मैं शर्म से इसलिए मरा कि मेरे को मेरे वाइफ पे थोड़ा सा है ना डाउट हो गया। मैंने शक कर लिया उसके ऊपर, खामोखा शक कर लिया। मैं चला गया घर पे, देखा उसका पीछा करते करते, देखा पूरा घर छान मारा, वो कहीं नहीं मिली यार। मुझे शर्म आई यार, मैं शर्म से मर गया। दूसरे का बेवकूफ फ्रिज में देख लेता ना, तो शर्म से तू मरता ना ठंड से मैं मरता। देखिए प्रोग्राम इतने अच्छे से केबीसी में, देखिए आप अमिताभ बच्चन साहब बड़ा अच्छे से सवाल करते हैं। अब धर्म जी को अगर बिठा दिया इस शो में, धर्म जी को, धर्मेंद्र साहब को, धर्म जी को, वो कैसे सवाल करेंगे? मेरे दोस्त तो हॉट सीट पे बैठा है, मेरे सामने बैठा है। पहला सवाल, बता हम में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? ए सनी, डी बॉबी, सी सुनील शेट्टी या डी मैं? तो उसने कहा कि मैं फोन ऑफ फ्रेंड करना चाहूंगा। वेरी गुड, किसे फोन करना चाहेगा तू? बोले मेरा एक दोस्त है राजेश। राजेश मेरे बच्चे, तेरे दोस्त की जान मेरे चुंगल में है। उससे हमने सवाल किया है कि हम में से ताकतवर कौन है? ए सनी, बी बॉबी, सी सुनील शेट्टी या डी मैं? सोच समझ के जवाब देना कमीने कुत्ते, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। उंगली रखो सामने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। मैं तेरा खून पी जाऊंगा, बता राम सदे, बता बता। उसने कहा मैं राजेश नहीं, मैं दिनेश हूं। रॉन्ग नंबर। कौन था इसके लिए? पिछले दिनों से मैं काफी परेशान हूँ एक ऐड को देखकर। वो है टेलीब्रांड का ऐड। वो इंग्लिश लोगों पर हिंदी की जो डबिंग होती है, बॉडी को पतले से दुबला किया जाए, गंजे के सर पे बाल लाया जाए, गोरे को काला किया जाए, काले गोरा किया जाए। कुछ लोग जिम कर रहे और बीच में हेलो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितने लोग यहाँ पे तरक्की कर रहे हैं और इस वर्ष से कितना फायदा हो रहा है। मैं आप लोगों को मिलाना चाहती हूँ हवाई जहाज में उड़ने वाले पायलट मिस्टर मार्टिन से। मार्टिन आपका स्वागत है। मार्टिन, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर। किस तरह से तुमने ये अपने आप को शेप में लाया? वेल, मुझे नहीं लगता था कि शायद मुझे कभी फायदा होगा, अब मुझे काफी फायदा हो रहा है। इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद मैं हवा में उड़ने लगा, काफी फायदा हो रहा है मुझे। वेल, मैं नहीं जानता था कि ऐसी कोई दवा हो सके। ये अद्भुत है, काफी फायदा हुआ है मुझे। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई असरदार चीज हो सकती है। वेल, ये हवा में जब उड़ता हूँ तो काफी फायदा हो। तुम हवा में उड़ते क्यों हो? क्योंकि मैं पायलट हूँ, मुझे काफी फायदा होता है। और ये भी है कि इसमें काफी सारी दवाएं और भी आई है, जैसे कि याददाश्त की दवा। इसको पीने से आदमी की याददाश्त बहुत शार्प हो जाती है। मुझे 20-20 साल पुराने आज भी किससे याद आ गए हैं इस दवा की वजह से। तो फिर मार्टिन, शायद आपको ये भी याद आया होगा कि पिछले साल मैं आपको 1000 रुपए उधार दिए थे, फिर चले गई मेरी याददाश्त।